हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हिना वॉइस की तरह आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक पिक्सल लैब चाहिए होगा। तो पिक्सल लैब ये जो है ना, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ऐसे खोलिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कर दूँ, इस तरीके से खुलकर आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाके जाने के बाद कोई भी स्टोरी है आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करके यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने एक स्टोरी है पहले से ही कॉपी करके रखी है, उसको किस तरीके से करना है एडिट में बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऐसे करके लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद ये वाइट कलर का पेज होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इमेज साइज मिल के आएगा, इमेज साइज, इस पर क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद इसके रेशियो को 5000 कर दो और इसके रेशियो को 10000 कर दो। बस इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा। फिर नीचे ऑप्शन आप देखेंगे, ये सेकंड नंबर यहाँ पर ए लिखा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेना है। और यहाँ पर मैं एक स्टोरी को पेस्ट कर दे रहा हूँ, इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद जैसे कुछ वर्ड जो है उसको मैं इस तरीके से एडिट कर दे रहा हूँ आपको। हाँ, और गैप नहीं रखना है, ठीक है। तो गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप हो तो उसको इस तरीके से, जैसे यहाँ पर इस तरीके से गैप है तो इसको आप इस तरीके से कट करके इस तरीके से कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इधर आना है, यहाँ पर लिख के आएगा इमेज साइज। इमेज साइज को घटाना बढ़ाना है, थोड़ा सा कम कर लेना। कम करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ये दिख रहा है बिंदु, इस पर ऐसे करके थोड़ा सा इतना कर लेना है कि लास्ट में इस जगह और इस जगह यहाँ तक ऐसे ऊपर करके, और इसको इस तरीके से बढ़ाना घटाना है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से करके इतना कर लिया। स्टोरी को आप ऐसे रखिएगा, ठीक है, कि लास्ट, शुरुआत से लेके लास्ट तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की रहे, ठीक। तो मैंने और भी बड़ा पैराग्राफ ले सकता था, लेकिन पेज के हिसाब से मुझे करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे ही आना है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, मतलब इस पर सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। और इधर से थोड़ा सा इधर आएंगे, यहाँ पर आपको कलर मिलेगा, कलर पर क्लिक करना है। और कलर पर क्लिक करने के बाद ब्लैक पर क्लिक कर लेना है, ब्लैक पर क्लिक करके टिक कर देना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मिलेगा स्टाइल, स्टाइल पे क्लिक करना है, बी से बोल्ड कर देना, ठीक है। इसको ऐसे क्लिक कर देना, ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ से ऐसे, बस इतना काम हो गया। इसको बीच में कर लेना, मिडिल में। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लास्ट में मिलेगा इज के, ये फोर्थ नंबर पर, इस पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर ए पर आना और यहाँ पर लास्ट में आना है इरीगेशन, इरीगेशन लिखा होगा, इनर शेडो पे क्लिक करना। यहाँ पे इसको इनेबल कर देना, ओपन करके जितने भी हैं सबको फुल कर देना। यहाँ पे इसको सही कर देना, टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आना है और यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना, ऊपर यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज लिखा है, इस पर क्लिक करना और कस्टम की जगह अल्ट्रा पे कर देना। उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना। इतना हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग काइन मास्टर की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब अपना काइन मास्टर खोलते हैं। तो काइन मास्टर हमने खोल लिया है, उसके बाद इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर लेना है। और हाँ दोस्तों, अगर काइन मास्टर जो आपको मोड वर्जन चाहिए तो उसका मैं जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, उसको किस तरीके से डाउनलोड करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने लिंक दिया है, बस क्लिक करो और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ड्राइव लिंक है तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें लोगो नहीं बन के आएगा और मोड वर्जन है। यहाँ पर आपको 16:9 पर क्लिक कर लेना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर वाइट पे बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसको आप बढ़ा लीजिएगा 2-3 मिनट तक की, कम से कम 4-5 मिनट की, ऐसे ऐसे करके इसको बढ़ा लीजिए इस तरीके से। थोड़ा सा आगे लास्ट में पकड़ के खींचते रहेंगे तो ये 2-3 मिनट तक की ऐसे बढ़ जाएगा वीडियो। तो ये मतलब कि 4 मिनट का एक वीडियो हो गया, बिना मतलब कि सिर्फ वाइट वाइट बोर्ड हो गया। इसको थोड़ा आगे ले आएंगे। आगे लाने के बाद आपको करना क्या है, इस तरीके से यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी हमने अभी मतलब कि जो मतलब बनाई थी वो इस जगह पर स्टोरी आ गई, पिक्सल लैब पे क्लिक करना है
और पहली पे ये इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको सही कर लेना है, टिक कर लेना है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और इसको ऐसे करके फिंगर से जितना हो सके इसको बड़ा कर लो, ठीक है, कि हमारी स्क्रीन पर दिखने लगे पूरा एक एक, ठीक है, मतलब स्क्रीन पर आ जाए। थोड़ा सा और बड़ा करना है, ऐसे करके खींचो कि स्क्रीन के बिल्कुल बराबर बराबर चलने लगे, थोड़ा सा ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इतना सेट कर लो, उसके बाद इसको ऐसे यहाँ पे इसको बड़ा थोड़ा सा खींच खींच के आगे बढ़ा लो, ऐसे ऐसे 1 मिनट तक की, 1.5 मिनट तक की इसको बढ़ा लेना आगे। ऐसे मैंने बढ़ा लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करने देना, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये चाबी का निशान, की का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ऐसे ऐसे करके लास्ट में ले आना, लास्ट में लाने के बाद ये प्लस का चिन्ह आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। अब दोस्त आपको करना क्या है कि जो भी है जो स्टोरी है आपको फिंगर से ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर ऐसे ऐसे एक दो बार ऐसे क्लिक कर कर करके ऊपर बढ़ानी है, ठीक है, कि मतलब स्लाइड होने का एक वो हो जाए, इसको लास्ट तक की ऐसे करके ये यहाँ तक की बस इतना कर देना। इसके बाद इसको टिक कर देना, सही, बस इतना हो के अब हमारा जो वीडियो है, इसको अब जो हमारा वीडियो है वो तैयार हो गया, ठीक है। इसको शुरुआत से देखते हैं प्ले करके, ये देखो। एक समय की बात है कि एक राजा में एक प्रतापी राजा एक राज करता था। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। बस इसको मैं पॉज कर दे रहा हूँ। अब बात आती है कि दूसरी जो लेयर है उसको कैसे ऐड करना है, ठीक है, तो दूसरी लेयर है उसको कैसे ऐड करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, फिर से आपको पिक्सल लैब में आना है। पिक्सल लैब आने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ये हमारा जो एडिट है इसको बस ऐसे क्लिक करना है, ए पे आना है, ए पे क्लिक करके, और ए पे क्लिक करके एडिट पे जाना है, और यहाँ पे जो हमने कहानी लिखी थी, ठीक है, इसको दोबारा मतलब कि जो इसके आगे की हिस्सा हो उसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट करके, और यहाँ से इसको रिमूव कर देना, हटाने के बाद उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो मैं इसी में करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक, आपको ऐसे करके यहाँ पर जाके और यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज कर लेना, और जैसे कि जो पहले वाली थी उसी तरीके से आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे मतलब स्टार्टिंग यहाँ पर मतलब हमारा इस जगह पे ख़त्म हो रहा है जैसे ये है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और हम लोग एक इमेज वही वाली इमेज ले लेंगे जो हम लोगों को चाहिए होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ाकर इसी के हिसाब के इतना बड़ा कर लेना ऐसे, 1 मिनट, ये थोड़ा सा हिल गया, एक बार इसको प्ले करके देख लें, ये तो सही है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ये इसको लेकर आना है और थोड़ा सा इसको बड़ा साइज कर लेना है, इसी के नाप का, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा हल्का सा छोटा, हाँ बस ठीक है। इसको ऐसे करके नीचे लाना है, नीचे लाना है ये वाली स्टोरी को, और इसके हल्के सी नीचे साइड ला कर यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोगों ने इसको पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद ये ऐसे आ रहा है, इसको थोड़ा सा इधर कर लें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे बढ़ा लेना आगे की ओर, आगे की ओर इस तरीके से बढ़ा लेना। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको चाबी पे क्लिक करना है, ये की वाले पे, और चाबी क्लिक करने के बाद, चाबी क्लिक करने के बाद इसको लास्ट में ऐसे करके ले आना, यहाँ पे इस पर प्लस कर लेना। अब इसके बाद क्या करना है, इसको धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर बढ़ाना है, धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, लास्ट में यहाँ पर आके इसको ऐसे ख़त्म कर देंगे, टिक कर लेना, सही कर लिया। अब उसके बाद हम लोग अपनी स्टोरी देखेंगे क्या होता है स्टोरी में, यहाँ से इस जगह से बढ़ा के देखते हैं, हमारी स्टोरी आ गई। ये थोड़ा स्पीड में भाग रही है,
तो इसको क्या करना है, इसका टाइम थोड़ा सा मतलब इसको और खींच देंगे, अगर ज़्यादा स्पीड में चले तो इसको थोड़ा सा खींच देंगे, ठीक है। ये अपना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये क्या होगा, इस तरीके से कहानी आ जाएगी। और देखो अब बराबर चलने लगी। एक समय की बात है, एक राजा एक प्रतापी राज्य करता था। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसके उसमें और यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो मैं इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेव करना आता है ना, जैसे ये ऊपर का बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके इस पे कट पे क्लिक करना और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना, कट हो जाएगा आपका वीडियो, यहाँ से इतना पूरा बन गया, ठीक है। और किस तरीके से लोगो लगाना है, किस तरीके से इसको साउंड डालना है, आपको बिना मतलब कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। अगर यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेना, जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे पे क्लिक इतना हो गया, और उसके बाद यहाँ पे टिक करके देखना कर दिया। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उनके दिन के उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया, ठीक है दोस्त। तो इतनी इतना मतलब कि इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये पूरी स्टोरी इस तरीके से बन जाएगी। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना, यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसका वीडियो इतना ही रख रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जितना और उसके अंदर पीछे बैकग्राउंड में मतलब कि जो वीडियो चल रहा होगा और उसके बाद वॉइस कैसे ओवर करनी है, मैं और भी वीडियो और लोगों कैसे लगाना है चैनल का, वो सब मैं आपको बताऊँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। और काइन मास्टर को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो किस तरीके से डाउनलोड करना है वो उसमें बता दूँगा, ठीक, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक।